सबके घर का काम हो रहा है तो साथ में क्लब हाउस का भी काम करवा ले, सब लोग मिलकर पैसा जमा कर लेंगे। ठीक है ओके ओके, मैं कल ही सुबह आ जाता हूँ और सबके घर का और क्लब हाउस का मेजरमेंट लेके आप सबको कैसा कैसा घर रेनोवेट करना है ये समझ कर मैं सबको डिजाइन और बजट सब कुछ बता देता हूँ। ओके अय्यर, ये देखो हमारे घर के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मैंने ये डिजाइन सिलेक्ट की है। नाइस ना? नहीं बबीता, ये डिजाइन अभी तुम सब तरंगी को मत बताना। क्यों? नहीं क्या बबीता, पहले सब तरंगी को उसका डिजाइन बना लेने दो, फिर तुम्हारे डिजाइन और सब तरंगी के डिजाइन में जो अच्छा होगा वो मिक्स मैच करके बना लेंगे। That's a good idea. Well, I'm very excited. लेकिन एक बात है बबीता, क्या है सब तरंगी बड़े बड़े प्रोजेक्ट करता है, फिर वो हमारे गोकुल धाम के छोटे बजट के प्रोजेक्ट को मैनेज करेगा? नहीं मतलब क्या है कि वो गोकुल धाम वालों को बजट तो ठीक ठाक देगा ना? Of course, यार सप्तरंगी हर एक बजट पे काम कर सकता है, he's very efficient, huh? नहीं हमारी बात बराबर है, लेकिन क्या है बबीता, इतने सारे फ्लैट का काम और वो भी हमारे पहचान का आदमी करेगा, अगर सप्तरंगी से काम में कुछ ऊपर नीचे गड़बड़ हो गया तो सब लोग हमको सुनाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा यार। बबीता ऐसा ही होगा, अब पोपड़लाल और जयडालाल के नाइजर को तो तुम जानती हो वो लोग कैसे है। अय्यर तुम पहले सप्त को कल आने तो दो, वो सबसे पहले आके सबके घर का मेजरमेंट्स लेगा, फिर वो अपना बजट देगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे ना कि क्या होता है। अभी से तुम क्यों इतना टेंशन ले रहे हो काम को लेके? ठीक है कोमल, तुम बैठी क्या हो, जल्दी मिठाई लेके आओ भाई, अपना घर रेनोवेट हो रहा है तो मिठाई पार्टी बनती है ना। ऑफ कोर्स हंस, मिठाई पार्टी तो होगी पर बाद में, पहले घर कैसे रेनोवेट करना है उसका प्लान करते हैं। सही बात है, सही बात है। मम्मी पापा, मैंने हमारे घर का इंटीरियर प्लान किया है। माय बेबी दिखाओ। हाँ, हॉल और किचन के बीच दीवार नहीं रखेंगे। क्यों बाबा? वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, यानी कि तुम्हारी मम्मी क्या खाना बना रही है हम यहाँ बैठ के देख सकते हैं। और तो और पापा, जो किचन में खाना बन रहा होगा ना तो दीवार नहीं होगी तो खुशबू भी आएगी ना। सही बात है, मुझे तो अभी से आने लगी है। कम ऑन, तुम दोनों ख्याले पुलाव पकाना बंद करो। ओके हम लोग बंद करते तो आप रियल में पुलाव बना के दो ना। बोली बेटा मजाक बाद में, पहले हम लोग नेट पे घर के लिए डिजाइन चेक करते हैं। मस्त आइडिया पापा, अभी सारे डिजाइन चेक करते हैं। यस चलो। ओए पापा, मैंने तो ये भी पसंद है, ये भी पसंद है, ये भी पसंद है, ये भी पसंद है। ओए पापा, मैंने तो सभी डिजाइन पसंद है। और ठीक है गोगी बेटा, तो सभी के सभी डिजाइन करा देंगे। अरे रोशन, एक घर में इतनी सारी अलग अलग डिजाइन कैसे हो सकती है? ओए सोनिया, इतनी बड़ी बड़ी दीवारें हैं तो सारी डिजाइन आ जाएगी भाई। हैं रोशन, ऐसे तो हमारा घर घर कम और एग्जीबिशन सेंटर ज्यादा लगेगा। ओ हाँ, एगल भी है, वो घर तो घर ही लगना चाहिए। तो बराबर छे होगी पुत्र, सॉरी यार, तुझे इन सारी डिजाइन में से कोई एक डिजाइन फाइनल करनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं। हाँ पुत्र। हाँ, मेरे रूम में हम लोग स्पोर्ट्स टीम रखते हैं। ये स्पोर्ट्स कार वाला जो बेड है ना, तू अभी मत चलाना, क्या तेरे को ड्राइविंग नहीं आती यार? हाँ पापा, मैं ये स्पोर्ट्स कार वाला बेड 18 साल का हो जाऊंगा उसके बाद ही चलाऊंगा। शाबाश क्योंकि बता। हैं? ए सू बोले। हाँ मम्मी, मेरे पास लाइसेंस नहीं है ना। हाँ। बाप दिकरा बेव रेनोवेशन ने एक्साइटमेंट में गेला थे गेला छे। जो दिकरा, वो सिर्फ स्पोर्ट्स कार की थीम का बेड होगा, बेड थोड़ी ना चलता है। और सोनिया, फिर सोने के लिए सीधे स्पोर्ट्स कार ही रख देंगे, क्या बोलोगे बता? हाय हाय, गेली हो गई जे, हम लोग तो मजाक कर रहे हैं। कल तक हमारे रोमांटिक बेडरूम में कौन सी रोमांटिक थीम रखेंगे यार? रूम के बारे में बाद में सोचते हैं, सबसे पहले घर के रेनोवेशन कैसे करनी है और कौन से रूम से शुरू करना है इसके बारे में प्लानिंग करते हैं। फाइनली हमारा घर रिनोवेट होगा और फाइनली हमारे घर को एक नया लुक मिलेगा, और ऐसा बेस्ट लुक देंगे ना हम हमारे घर को कि जो भी हमारा घर देखे वो कहे कि घर हो तो गोकुल धाम सोसाइटी के एक बार सेक्रेटरी और शिक्षक श्री आत्मराम तुकाराम भिड़े जैसा। एग्जैक्टली ओके नहीं? हाँ हाँ हाँ, वो सब ठीक है, लेकिन एक टेंशन। अच्छा क्या है?
मैं सोच रहा हूँ कि रिनोवेशन का जो भी खर्चा हो अपने बजट के अंदर होना चाहिए। मतलब अपनी जो बचत है, बैंक बैलेंस है, एफडीज है, उसके अंदर हो तो अच्छा है, ओवर बजट नहीं होना चाहिए। नहीं होगा हो, सप्तरंगी भाई बबीता जी के भाई है ना, वो बजट में ही अच्छा काम करके देंगे। और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे खर्चा होगा वो तो करना ही पड़ेगा ना, उसमें क्या। और वो सब ठीक है, अभी तो फिलहाल हमें सिर्फ इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि घर का लुक कैसा हो। ठीक है, तुम लोग घर का लुक कैसा होगा उसके बारे में सोचो, और मैं पैसा कहाँ बचेगा, कैसे बचेगा उसके बारे में सोचता हूँ, ताकि बाद में गड़बड़ ना हो। क्यों सोचते हैं आप ऐसा, बी पॉजिटिव। हमें बजट के बारे में अभी सोचना ही नहीं है, हमें सिर्फ घर के डिजाइन के बारे में सोचना है, क्योंकि कल सप्तरंगी भाई को हमें डिजाइन चूज करके देना है। अगर उसमें गड़बड़ हुई ना तो फिर हमारा बजट हिल सकता है। सोच लो, अपन डिजाइन कर लिया। देवा, कल का सूरज गोकुलधाम में जरूर हंगामेदार सुबह लेकर आने वाला। टोपू के पापा आइए, नाश्ता तैयार है। हाँ हाँ, आ गया आ गया। ओहो, आज तो नीचे बैठकर नाश्ता करना है। नहीं अरे भाई देखे, भारत की आधी से ज्यादा आबादी नीचे बैठ के खाना खाती है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ बापू जी। वाह दादाजी, ऐसे जमीन पर बैठ के खाने का कितना मजा आता है। अब से हमेशा ऐसे ही नीचे बैठकर खाना खाएंगे। हमेशा? क्यों? तुझे नहीं जमेगा? नहीं जमेगा, नहीं जमेगा की बात नहीं है, पर क्या है कि अभी हम लोग ये पूरे घर का रिनोवेशन कराने वाले, तो फिर डाइनिंग टेबल नहीं लेना है। नहीं नहीं नहीं, वो तो लेना ही चाहिए ना। अगर घर पर मेहमान आएंगे और उसमें भी बड़े बुजुर्ग होंगे, उनको घुटने में कुछ प्रॉब्लम होगा, तो वो बेचारे नीचे कैसे बैठ सकते हैं। बहू की बात सही। सॉरी बेटा, हमेशा नीचे बैठ कर नहीं खा पाएंगे। क्यों नहीं खा पाएंगे भाई? अरे मेहमान भले ही टेबल पे बैठ के खाना खाए, हम सब तो नीचे बैठ के खाना खाएंगे। तो बापू जी अच्छा लगेगा मेहमान ऐसे टेबल पे और हम लोग अलग नीचे बैठ के खाना खाए। चल ठीक है, तो जब मेहमान आएंगे तब हम सब लोग मिलके टेबल पे बैठ के खाना खाएंगे, लेकिन बाकी रोज तो हम लोग नीचे बैठ के खाना खाएंगे। अरे बाप रे, मेहमान तो कभी कभार ही आते, इसका मतलब मुझे हमेशा नीचे बैठ के खाना खाना पड़ेगा। शेख, क्या सोच रहा है? अरे पापा, दादाजी मजाक कर रहे हैं, चिल। ये तेरी टोन थोड़ी कम कर, तो आराम से नीचे बैठ पाएगा। हाँ। लीजिए टबू के पापा। अभी खा ले खा ले, बाद में डेटिंग करना। दादाजी डेटिंग नहीं, डाइटिंग। अरे हाँ भाई, मैं समझ गया, अभी खाने शांति से खाओ और खाने दो। मेरे पास है, तू पहले शांति से पेपर पढ़ ले, बाद में नाश्ता कर। नहीं बापू जी, वो क्या रेनोवेशन के ऊपर लेख आया है ना, तो मैं ये फोटो देख रहा था, ये जो दीवार का कलर है, तो ऐसा ही कलर हम लोग भी हमारे घर में अगर करे तो अच्छा लगेगा ना। हाँ, ये कलर अच्छा है। दिखाई दिखाई दादाजी। वाओ, बहुत मस्त कलर है, हम लोग यही कलर करवाएंगे, हमारी दीवार पे बहुत अच्छा लगेगा। देखो ये कुछ, ये देखो, ये देख। गुड मॉर्निंग सतरंगी भाई। गुड मॉर्निंग अब्दुल भाई, गुड मॉर्निंग। सबके घर का नाप लेने आयो? हाँ नाप तो लेने आया हूँ, लेकिन रिधि मोय नहीं आया है ना। अरे रिधि मोय मेरा असिस्टेंट है, सुबह से उसको ट्राई कर रहा हूँ, नॉट रीचेबल आ रहा है फोन। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि उसके बिना मैं सबके घर का मेजरमेंट कैसे लेगा। रिधि मोय तुम्हारे सामने खड़ा है। किधर है, किधर है, है? है? इधर है, इधर है, इधर। आप अब्दुल ऑलराउंडर है, मैं आपकी हेल्प करूंगा। आप मेरा हेल्प करेगा? यस, आई एम योर असिस्टेंट।
Hey, thank you very much, Abdul भाई. गोकुलधाम मेरा परिवार है. और परिवार के काम में सोचना क्या? Great. कहिए, कहाँ से शुरू करना है? बबीता दीदी के घर से. चलिए, आइए. चलिए. Good morning, दीदी. Hey, congratulations. Hey. Good morning, जय बाबू. Good morning, दादा. कैसे हैं? आइए देखो. बबीता जी, आज मैं सप्तरंगी भाई का असिस्टेंट हूँ. Oh, really? हाँ. आज अब्दुल भाई ऑलराउंडर मुझे हेल्प करेंगे ना प्लीज. ऑल द बेस्ट सप्तरंगी. आई होप कि गोकुलधाम रिनोवेशन प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो. थैंक यू. लेट्स नॉट वेस्ट टाइम. अभी हम फटाफट नाप लेना शुरू करते हैं. ओके ओके. दीदी, अभी आप कहो, आपका क्या चॉइस है? हाँ हाँ, ओके, तो सबसे पहले मुझे बेडरूम में एक अच्छा सा ड्रेसिंग टेबल चाहिए, ओके? और जो कैबिनेट है ना, वो एकदम स्टाइलिश कंटेम्पररी डिजाइन का होना चाहिए. बाथरूम में मुझे हाइलाइटेड टाइल्स चाहिए एंड किचन में ना अच्छे वाले कैबिनेट्स देना विद ब्राइट कलरफुल सनमाइका. वेरी गुड दीदी, वेरी गुड आइडिया. और जामे बाबू, आपका क्या चॉइस है? सप्तरंगी, वह स्टोर रूम है ना, वहाँ पर मेरे को एक छोटा सा लेबोरेटरी बना कर देना. उसका डिजाइन मैं तुमको बाद में दे देगा. ओके, तो मैं आप दोनों का आइडिया और मेरा क्रिएटिविटी को मिलाकर एक बढ़िया डिजाइन बनाकर मिलता हूँ. फिर अभी हम लोग कोपर भाई के घर पे जाके उनके बाथरूम का मेजरमेंट ले लें. हाँ, चलो चलो. सप्तरंगी, कोपर लाल के घर पर मैं भी आता है क्या? वो नहीं तो तुमको बहुत कंफ्यूज कर देगा. दीदी, आप मेरे साथ सौभी के घर में जाएगा तो मेरे लिए खूब कंफर्टेबल रहेगा. Yes, of course. तो सप्तु बाबू, आप ऐसा जबरदस्त काम कीजिएगा मेरे बाथरूम का कि अय्यर भाई को अगले 50 साल तक कोई कंप्लेंट ना हो. अरे आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए पोपट भाई, मैंने बाथरूम का नाप ठीक से ले लिया है. मैं आपके बाथरूम का ऐसा काम करूंगा कि पानी बिल्कुल बंद हो जाएगा. है? तो फिर मैं नहाऊंगा कैसे? अरे बाबू मौसा, आप समझ नहीं पा रहा है, मेरे कहने का मतलब है कि लीकेज. ऐसे बोलो ना. पोपट भाई, just think one more time. मेरा एक advice है, आप बाथरूम के साथ साथ पूरे घर को भी रिनोवेट करवा लीजिए. देखिए, सब तो कम बजट में आपको बहुत अच्छा काम करके देगा. आपकी बात बिल्कुल सही है बबीता जी, लेकिन मेरा प्लान ऐसा है कि आपकी होने वाली भाभी अपने घर में आकर उसका घर खुद डिजाइन करे. पोपटलाल, घर रिनोवेट कर लो, हो सकता है तुम्हारा ये ओल्ड लुक का घर देखकर लड़कियां तुमको रिजेक्ट करती हो. क्या बोल रहे हैं यार भाई? अरे ना ना, जामाई बाबू इज राइट, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. है पोपट भाई, ये भी तो हो सकता है कि कोई लड़की आपको देखने आए और उसको आपका ये नया रिनोवेटेड घर अच्छा लग जाए तो. वैसे भी पोपट भाई, लड़की वाले शादी से पहले लड़के का घर ही देखते हैं. देखिए, आपके रेनोवेटेड किए हुए नए घर में ब्राइट कलर्स होंगे, ब्यूटीफुल फर्नीचर्स होंगे, सी? साथ में डिफरेंट लुक का रोमांटिक बेडरूम हो, जिसमें सजने सवरने के लिए एक प्यारा सा ड्रेसिंग टेबल हो, तो लड़की घर देखते ही आपके घर के प्यार में पड़ जाएगी पोपट भाई. हाँ, अरे धीरे धीरे तुम्हारे भी. तो एक काम करते हैं, सिर्फ बाथरूम बेडरूम और हॉल रिनोवेट करवा लेते हैं. अरे ना 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 पोपट भाई, व्हाट आर यू सेइंग? व्हाट अबाउट द किचन? अरे किचन तो लेडीज के लिए वर्ल्ड का फेवरेट डेस्टिनेशन है. मैं आपके लिए इतना मनमोहक डिजाइन बनाऊंगा ना आपके किचन का कि लड़की उसको देखते ही आ कर देगी. बस कैंसल कैंसल कैंसल. पोपटलाल देखो, हम तुमको नहीं समझाएंगे, लेकिन तुम बाथरूम रिनोवेट का आइडिया कैंसल मत करना. हाँ प्लीज पोपट भाई. अरे नहीं नहीं अय्यर भाई, घर रिनोवेट नहीं करवाने का आइडिया कैंसल. इतनी बड़ी गलती करने जा रहा था मैं, आप लोगों ने मेरी आंखें खोल दी. मैं घर का रिनोवेशन करने के लिए तैयार हूँ. वाह, क्या बात है पोपट भाई, कंग्रेचुलेशंस, गुड डिसीजन. ये
अब तो तुम एक काम करो, तुम सबसे पहले पोपट भाई के पूरे घर का मेजरमेंट्स ले लो, ओके? और फिर हम लोग मेहता साहब के घर पे चलते हैं। यस दीदी, अभी करता हूँ। अरे कार्तिक, तू तो अमेरिका जाके हम लोगों को भूल ही गया है। अरे ना ना, अरे इट इज नॉट पॉसिबल। आ तो नहीं पड़ा है, इधर से मेजरमेंट। हाँ ऐसा था, बता। चलो भैया, हो गया मेजरमेंट। है ओके ओके बाय। अरे तारक, इतने में ही थक गए? थकने का क्या मतलब, कितनी बार उठना पड़ता है, बैठना पड़ता है, नाप लेना पड़ता है, ऐसे आसान थोड़ी है भाई। लगता है आपका डाइट चेंज करना पड़ेगा। ये ओ गॉड, क्या हुआ? उड़ी बाबा, ये हमें की खोलना। क्या हुआ सब? तो अरे हाँ, मेजरमेंट तो ले लिया है फीट और इंच में, लेकिन ये फीट और इंच कौन से वॉल का है वो हम लिखना भूल गया है। क्या? What is this सब? तो सॉरी दीदी, ओ मेजरमेंट लेते टाइम हम फोन में बिजी था ना। क्या सब तो भाई, तो मेहता साहब चलिए फिर से। हो गया घर का मेजरमेंट। हो गया मेजरमेंट, और झुक झुक के कमर अकड़ गई, उसका क्या? ओ गॉड, अब क्या हुआ? क्यों हो ला शब्दो, की को ली थी यहाँ पर? अरे गॉड बोर्ड हो गया। अब क्या? पहले मैंने राइट ही लिखा था, लेकिन टैब में दूसरे पेज पे लिख दिया था। एक टाइम पे एक ही काम करने का ना है। हाँ, मतलब ये जो दोबारा मैंने मेहनत की वो सब वेस्ट? डोंट वरी, हो गया, रिलैक्स, फिर से नहीं लेना पड़ेगा मेजरमेंट। अच्छा अभी आप दोनों हमको ये बताइए कि आपके घर में कैसे डिजाइन का रिनोवेशन करवाना है। हाँ देखो भाई सप्तरंगी भाई, मेरी तो कुल मिला के सिर्फ तीन इच्छाएं हैं। पहली इच्छा, हमारा किचन कुछ ऐसा बढ़िया डिजाइन कर दो आप, कुछ इस तरह से डिजाइन करो कि उसमें डाइट फूड न बन सके। बस किचन खुद कह दे कि मैं डाइट फूड नहीं बनाऊंगा। इम्पॉसिबल, सॉरी। नहीं हो सकता। सुन लिया भाई, कोई बात नहीं, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी एक दिन कि ये सब भी होगा। एनीवेज, दो छोटी छोटी सी इच्छाएं और है। एक तो ये जो मेरा राइटिंग एरिया ना वो इस तरफ होना चाहिए, बढ़िया था, आराम से लिख सकूं मैं बैठ के, अच्छे अच्छे आर्टिकल, बुक शेल्फ और राइटिंग एरिया दोनों। और एक छोटी सी आखिरी इच्छा ये है, ये जो हमारे घर की खिड़की है जो है वो थोड़ी सी चेंज कर देना, और खिड़की ऐसी जगह लगाना कि गोकुलधाम सोसाइटी में जहाँ कहीं भी टेस्टी मसालेदार खाना बन रहा हो ना, उसकी खुशबू मेरे नथनों तक पहुंचे। कुछ ऐसा डिजाइन ना? नॉट पॉसिबल, मजाक मत कीजिए। मैं तो सब समझ गया। अब अंजलि भाभी आप बताइए, आपका कोई चॉइस, आपका कोई डिमांड? मुझे ना घर के बाहर छोटा सा किचन गार्डन बनाना है, ताकि मैं मेरे किचन गार्डन में ताजी ताजी सब्जियां उगा सकूं और मेरे स्वामी की तबीयत का ध्यान रख सकूं। ए गुड, बेस्ट आइडिया, खूब भलो, ताई हबे। दोस्तों गोकुलधाम सोसाइटी में रेनोवेशन के यज्ञ का प्रारंभ हो चुका है, सबके घरों में नाप लेने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन ये नाप वो अगरबत्ती है जिससे यहाँ पे बड़े टेंशन का बॉम्ब फूटने वाला है। सीधी सी जाहिर सी बात है, नाप होगा तो फिर बजट सामने आएगा, और बजट जब सामने आएगा तो हालात बिल्कुल बदले होंगे, क्योंकि बजट ऐसी चीज है जो हालात बदल देता है, बजट ऐसी चीज है जो सबके सपनों को तोड़ देता है। हमारे सपनों को पूरा करने में अगर सबसे बड़ी कोई रुकावट है तो बजट है। मैं जानता हूँ ये बजट आप लोगों का भी दुश्मन जिंदगी में कभी ना कभी जरूर बना होगा, और इस बजट की वजह से गोकुलधाम में हंगामा होना तय, और तय तो हमारे आज के स्वच्छता सेनानी का नाम भी हो गया। आप जानते हैं स्वच्छ भारत अभियान के तहत तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम इस मुहिम में जी जान से जुटी हुई है। tmkoc myclean.com पे आप लोगों ने जबरदस्त शिरकत, और उसी में से एक स्वच्छता सेनानी है प्रियंका आचार्य। पिछले साल जब नरेंद्र मोदी जी ने ये अभियान शुरू किया और कहा गांधी जी को हम 150वीं सालगिरह पर क्या भेंट दे, उनकी पसंदीदा चीज स्वच्छता, गार्बेज जीरो, फिर मुंबई हीरो, ये स्वच्छ भारत की ओर हमारा पहला कदम है, और इसे हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा के मर्म संदेश
और ढाकों की तरह हमेशा जारी रखेंगे। जय हिंद। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मिलकर करनी है सफाई। तो बहुत बहुत बधाई हमारे स्वच्छता सेनानी को। लेकिन अब देखना यह है कि गोकुलधाम सोसाइटी में रेनोवेशन का बजट कितने हंगामे लेके आता है और आपके घरों में कितने ठाक है। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अब तैयार नहीं हुए? क्लब हाउस में मीटिंग है ना, तुम दोनों जाके आओ। लेकिन बापूजी और सत्तू भाई सबका नए घर के डिजाइन दिखाने वाले, तो आप चलते तो क्या हमारे घर के डिजाइन देख के अगर कुछ सुझाव देना हो तो दे सकते हैं। बापू जी, जो तुम दोनों की पसंद वही मेरी पसंद। ठीक है बापू। हाँ